इसी बीच एक और बड़ी खबर, प्राण प्रतिष्ठा पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने खड़े किए सवाल। प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत क्यों पड़ी, स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया। बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा का क्रेडिट लेना चाहती है, हजारों साल से पूजा और प्राण प्रतिष्ठा है, क्यों हो रही है। ये बड़ी खबर जो है मिल रही है। स्वामी प्रसाद के फिर से एक बार बिगड़े हुए बोल नजर आए हैं, उनकी तरफ से प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के टिप्पणी। प्राण प्रतिष्ठा पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल खड़े किए, प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत क्यों पड़ गई, ये कहा उन्होंने। बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा का क्रेडिट लेना चाहती है, हजारों साल से पूजा हो रहा है, फिर प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत क्यों पड़ गई। अरे जो हजारों साल से पूजा जाता है, हजारों साल से उस अयोध्या में राम की पूजा होती है, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा का औचित्य नहीं है। यही पर महोदय देखिए, जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मंदिर बनाने का फैसला दिया, हम सभी लोगों ने, पूरे देशवासियों ने, किसी पार्टी का रहा हो, सबने स्वागत किया था। उसी का काम हुआ। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा कहां से आ गया? आप उस रामलला को जो छावनी में थे उनको ले जाके वहां स्थापित करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा कहां से आ गया? जो पहले से पूजा जा रहा है उसको प्राण प्रतिष्ठा कहां से? क्या क्या राम निर्जीव हो गए थे? आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान राम निर्जीव हो गए थे, निष्पाप हो गए थे? वही स्वामी प्रसाद मौर्य पर बृजेश पाठक का पलटवार भी देखने को मिला। ऐसा स्टेटमेंट देने वालों को जनता जवाब देगी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पूरे देश में खुशी की लहर है, ये तमाम बातें बृजेश पाठक की तरफ से कही गई। ये जो भी इस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं बहुत ही दुखद है। आज पूरी दुनिया प्रभु रामलला के भव्य मंदिर के लोकार्पण पर हर्षोल्लास से धूमधाम के साथ त्योहार जैसा पर्व मनाया। पूरी दुनिया में सभी मंदिरों में धूमधाम के साथ पूजा हुई, लोगों ने कीर्तन भजन किए, दीपोत्सव मनाया। ऐसे अवसर पर जो इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं उनको ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा, और अपने देश की जनता, प्रदेश की जनता समय आने पर उनका सबक जरूर सिखाएगी।